दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। व्यवसायी पर जानलेवा हमला, 3 फायर दाग आरोपी फरार। देश में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी पर हल्ला बोल, केंद्र के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। 24 घंटे के अंदर सामान उठाओ वरना कटेगा चालान, सड़क पर दुकानदारी सजाने पर शिकंजा। सड़कों पर बेसहारा पशुओं का डेरा, दुर्घटनाओं को दे रहे न्योता। मां नैना देवी मंदिर आने को वन वे ट्रैफिक व्यवस्था, पुलिस ने तैयार की रूपरेखा। अब समाचार विस्तार से। नगर परिषद संतोषगढ़ की सोमभद्रा नदी के तट पर स्थित और नगर के वार्ड नंबर 8 की न्यू कॉलोनी में रात्रि 12:30 बजे के करीब संतोषगढ़ निवासी व्यवसायी संजीव वर्मा पर जानलेवा हमला हुआ। इसमें वह बाल बाल बच गए। संजीव वर्मा ने बताया कि वह अपने नए बन रहे मकान के पास बनाई शेड में सो रहे थे तो रात के अंधेरे में बाहर से खिड़की से किसी ने फायर किया और जोरदार धमाके से मेरी आंख खुल गई। उसके बाद संजीव वर्मा ने भी अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से दरवाजे से 3 फायर किए। फिर से उन लोगों ने दोबारा 1 फायर दरवाजे की ओर किया। इसके बाद रात के अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी भाग गए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है और नगर के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपियों की पहचान हो सके। लगभग रात को 12:15 बजे करीब में अपने फार्म हाउस पे सोया हुआ था। मुझे तो ये लगता है कि ऐसे रेकी होते फॉलो अप करके उनको पता था कि मैं अकेला यहाँ पे सोया हुआ जी। 12 बजे के करीब एक फायर की आवाज़ मेरे कान के करीब से निकली तो आवाज़ जैसे मैं उठा तो मेरे को ये सुनाई दिया कि दूसरी चला। मैंने देखा कि बंदे बाहर खड़े हुए, मैंने अपने सराहने से अपना लाइसेंस ही रिवॉल्वर उठाया और मैं दरवाजे के पीछे छुप गया जी। फिर बाहर से आवाज़ आई कि दरवाजे के कोने में दूसरा फायर दरवाजे को फाड़ता हुआ मेरे बिल्कुल कान के पास से आगे दीवार से टकराया। तो मैंने सेल्फ प्रोटेक्शन में 3 राउंड फायर अंदर से जब किए तो उनमें भगदड़ सी मच गई, बोले कि भागो इसके पास तो वेपन। जब मैं दरवाजा खोल के बाहर आया तो तब तक वो भाग चुके। समय कितना था? करीब 12:15 का, मतलब मध्य रात्रि में था। हाँ, मध्य रात्रि। आपके कहीं चोट वगैरह तो लगी? नहीं सर, कोई चोट नहीं। ठीक है। पिछली रात संतोषगढ़ चौकी में एक मैटर रिपोर्ट हुआ है, शिकायतकर्ता ने कंप्लेंट दी है कि उसके ऊपर किसी व्यक्ति ने जो फायर किया है। पुलिस ने रात को मौके का निरीक्षण किया था और रात को पुलिस ने 307 और 451 में मुकदमा दर्ज किया है। आगे सवेरे आलाधिकारी ने भी मौके का निरीक्षण किया है और पुलिस जो है इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही है साइंटिफिक एविडेंसेस के आधार पर। आज ही FSL टीम का भी विजिट पुलिस जो है करवा रही है, आगे देखते हैं इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है। और पुलिस की ये प्रायोरिटी बेस्ड केस है और पुलिस जल्द ही आरोपियों को जरूर ढूंढने का प्रयास करेगी। सर, शिकायतकर्ता ने जाहिर किया? अभी तक तो शिकायतकर्ता ने कंप्लेंट दी है, उसमें किसी के ऊपर कोई शक जाहिर नहीं किया है, इसलिए पुलिस जो है वो अलग अलग पहलुओं से जो वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है ताकि सच जो है वो सामने आ सके और कोई दोषी है तो उसके खिलाफ जो है पुलिस कार्रवाई कर सके। सर, शिकायतकर्ता ने इसमें कोई अवैध खनन के खिलाफ आवाज़ उठाई, उसका भी जिक्र किया गया है? देखो, शिकायत में तो इस तरह की कोई कंप्लेंट नहीं है कि मैंने माइनिंग के अगेंस्ट कोई इशू रेज किया है, उस आधार पर मेरे पर कोई इस तरह का एक्शन हुआ है, इसलिए पुलिस जो है वो सभी एंगल्स को एक्सप्लोर करेगी, चाहे माइनिंग से रिलेटेड है चाहे कोई और, इनके खिलाफ को पुराने केसेस में पुलिस उनको भी खंगालेगी और इस केस के तह तक पहुँचने की पुलिस कोशिश करेगी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने आज केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर मंडी में धरना प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन पिछले लंबे समय से देश में बढ़ रही बेरोजगारी, महंगाई और नई पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए किया गया। सीटू के जिला सचिवालय सदस्य सुरेश सरवाल ने कहा कि देश में लगातार महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं जिससे आम जनता की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए था कि इस महामारी के समय आम जनता को राहत दे, मगर वह उल्टा पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों को बढ़ाकर जनता पर आर्थिक बोझ डाल रही है। नगर निगम सोलन के कर्मियों द्वारा आज शहर के माल रोड और अन्य बाजारों में दुकानदारों को दुकानों के बाहर सामान न रखने की हिदायत दी गई। दुकानदारों को अपने सामान को हटाने के लिए 24 घंटे की मोहलत दी गई है जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। यदि 24 घंटे बाद किसी भी दुकान के बाहर सामान रखा पाया गया तो उस दुकानदार पर कार्रवाई करते हुए उसका चालान काटा जाएगा। गौर रहे कि बाजार खुलते ही दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानों के बाहर सामान लगाना शुरू कर दिया है।
हालांकि पहले भी कई बार दुकानदारों को इसको लेकर हिदायत दी गई है, लेकिन कुछ दुकानदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। दीपराज हंस, नगर निगम सोलन सुपरवाइजर। जैसे कि आज हमने माल रोड और अपर बाजार में लोगों को हिदायत दी, जो भी इनका सामान बाहर है वो भविष्य में बाहर ना रखें, अन्यथा इनका चलान किया जाएगा। इन्हें 24 घंटे का समय दिया है, 24 घंटे के बाद भी अगर ऐसा पाया जाता है तो इनका चलान होगा, पर जो हमारे कमिश्नर साहब चाहेंगे वो चलान इनकी कार्रवाई होगी। सड़कों के किनारे बैठे आवारा पशुओं से हर व्यक्ति परेशान है। नगरोटा, सूर्या तथा आसपास के क्षेत्रों में भारी संख्या में आवारा पशु सड़कों और बस अड्डे पर देखे जा सकते हैं। इसे हर आने जाने वाले व्यक्तियों को तथा वाहन चालकों को परेशानी होती है, क्योंकि ना जाने कब कोई दुर्घटना हो जाए। लोगों द्वारा अपने कई दुधारू पशुओं को भी जब वे दूध देना छोड़ देते हैं तो उन्हें बेसहारा छोड़ देते हैं। दर्जनों गौएं ऐसी हैं जो दूध देती हैं और बेसहारा हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। आए दिन हर रोज दोपहिया गाड़ियों की इन आवारा पशुओं के कारण दुर्घटनाएं होती हैं। विश्व विख्यात शक्तिपीठ मां नैना देवी मंदिर कल से श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खुलने जा रहा है, जिसे लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। वहीं यहां ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस प्रशासन ने रूपरेखा तैयार कर ली है। मंदिर तक आने के लिए वन वे ट्रैफिक व्यवस्था रहेगी। कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करने सहित श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए बस अड्डा से मंदिर तक आने के लिए घवांडल चौक से श्रद्धालु गाड़ी में मंदिर गुफा तक आ सकेंगे, जबकि उन्हें वापस सर्कुलर रोड से जाना पड़ेगा। नैना देवी के DSP अभिमन्यु ने बताया कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए तैयारी कर ली गई है। इस तरह से लोग को जो लोग आएंगे उनको सुविधा दी जाए, कानून व्यवस्था बनाए रखे जा सके, और इसी तरह से जो हमारा ट्रैफिक का भी प्लान रहेगा वो जिस तरह से मंदिर की परिक्रमा होती है उसी तरह रहेगा कि घोंडल चौक से लेफ्ट टर्न करते हुए मंदिर तक पहुंचेंगे और वहीं से जो सर्कुलर रोड है वहां से CSC बैरियर की तरफ से एग्जिट रहेगा, तो एक परिक्रमा पूरी हो जाती है और साथ में व्यवस्था भी अच्छी है, जाम की स्थिति बहुत कम रहती है इसमें, तो ये व्यवस्था हमारी रहेगी। तो मेरा आग्रह भी रहेगा जितने भी दर्शक हैं आपके उनसे भी कि जो भी माता के दरबार में दर्शन के लिए आएँ, मन्नत के लिए आएँ, तो कृपया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साथ में मास्क का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि ये कोरोना काल अभी भी चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ पूरी तरह से। तो किसी दूसरे की वजह से आपको परेशानी हो, आपके परिवार को परेशानी हो, ये हम नहीं चाहते।